Praise the Lord and good evening to everyone who are listening to this Bible study of Life Spring Assembly. And I am Pastor Mathai. और आज की शाम मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आप सबको जय मसीह की. आप सब जो प्रभु इस बाइबल अध्ययन में हमसे जुड़े हैं और मैं पास्टर मथाई हूं. And the translator of these studies is Mahendra. और मैं जो इस वचन को या इस बाइबल अध्ययन को आपके लिए अनुवाद करूंगा, मेरा नाम महेंद्र है. Wednesday study we closed by this statement. और पिछले बुधवार के हमारे बाइबल अध्ययन को हमने ये वाक्य कहते हुए खत्म किया. God disciplines his people. परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित करता है. And when God disciplines his people, और जब परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित करता है, we better joyfully yield ourselves to his discipline. तो हमें बड़े आनंद के संग होने दें, हम उसके अनुशासन में खुद को दें. Because he disciplines us with a good purpose. क्योंकि वो हमें अनुशासित करता है एक अच्छे या भले उद्देश्य के साथ. And he does discipline his child. और वो अपने बच्चों को अनुशासित करता है. That is the first thing. और ये वो पहली बात है. God does discipline his child. कि परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित, अपने बच्चों को अनुशासित करता है. Because he loves him. क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम रखता है. So Hebrews chapter 12 verses 5 to 13 says. और यही बात इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में लिखी हुई. Every father who loves his children. और हर वो पिता जो अपने बच्चों से प्रेम रखता है, he disciplines them. वो उनको अनुशासित करता है. If we are illegitimate. और अगर मान लीजिए हम उसके पुत्र है ही नहीं. It doesn't matter. ये मायने नहीं रखता. But we certainly discipline our own children. लेकिन हम अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं. And how much more God the Father. और कितना ज़्यादा परमेश्वर पिता हमें करेगा. And the second thought is. तो दूसरा विचार है. God disciplines his child to prevent him from destroying himself. और परमेश्वर अपनी संतान को अपने आप को नाश करने से रोकता है. And in the process. और इस प्रक्रिया में. He also hurt and damage others through serious sin. वो दूसरों को भी दुख पहुंचाता है या उनका नाश करता है गंभीर तरीके से. God does not want that. और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता. So he disciplines his और इसलिए वो अपनी संतान को अनुशासित करता है. And the third thing about discipline. और जो तीसरी बात अनुशासन के विषय में है. God knows exactly what kind of discipline and to what degree. और परमेश्वर को पता है कि किस प्रकार का अनुशासन और कितना अनुशासन एक विश्वासी को वापस लाएगा. Someone who committed sin. और किसी ने जिसने पाप किया. He or she must be awakened to what he has done. उसे जगाना जरूरी है उस बात के लिए जो उसने किया. And he awakens to repentance and confession. और उसे जगाना जरूरी है मन फिराने या क्षमा मांगने के लिए. And there is a fourth reason. और यहाँ पर एक चौथा कारण है. There is a, so let us consider that. What is it? और ये कारण क्या है? Many of us do not realize the seriousness of the Lord's Supper unless we understand. हम में से कई गंभीरता को नहीं समझते पर प्रभु भोज की. Understand what? क्या नहीं समझते? God's discipline. परमेश्वर के अनुशासन. How seriously our God considered His supper. कि कैसे परमेश्वर ने गंभीरता के संग अपने भोज को लिया. And His discipline will reveal how serious He is. और उसका अनुशासन इस बात को दर्शाता है कि कितना गंभीर वो है. Now, God knows when a believer should be taken on to home, to heaven. और परमेश्वर को पता है कि एक विश्वासी को कब उसके घर उस स्वर्ग की पास ले आना है. God determines when a believer
has gone so far that he will never again have a testimony for Christ. कि परमेश्वर इस बात को जानता और निर्धारित करता है कि एक विश्वासी इतना दूर चले जाए कि उसके पास कोई गवाही ही ना हो. Nor he be of any real value to anyone else. या वो किसी दूसरे के लिए किसी मूल्य को ना रखता हो. And when a believer reaches to that point, और जब एक विश्वासी उस दूरी तक पहुंच जाता है, that point of his fruitless life, और वो जीवन जहां पर वो फलहीन है, God is ready and prepared to take him away. परमेश्वर तैयार है कि वो उसे दूर हटा दे. Do you understand that? क्या आप इस बात को समझते हैं? God is very patient. परमेश्वर बहुत धीरज रखता है. He is loving. वो प्रेम रखता है. And in love and mercy he waits. और वो प्रेम में और दया में इंतजार करता है. But when he sees that one of his children, लेकिन जब वो इस बात को देखता है कि उनमें से उनका कोई बच्चा reaches to that point in his fruitless life, और वो अपने जीवन के उस फलहीनता में वहां तक पहुंच जाता है. And God also knows that he has become so useless that there is no amount of counseling is going to help. और परमेश्वर इस बात को भी देखता है कि किस प्रकार से वो फलहीन हो गया है और किसी प्रकार का उसका जीवन ठीक नहीं है. And he has gone too far enough. और वो बहुत दूर चला गया है. That he better leave this world rather than staying on and bring a greater shameful thing about the name of Jesus. परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो और आगे बढ़कर परमेश्वर के नाम को शर्मसार करे. उससे अच्छा है कि वो इस संसार को छोड़कर चला जाए. 1 Corinthians chapter 11 verse 32. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 32वां वचन. परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें. That is why. और इसी कारण. And also Hebrews 12 verses 5 to 8. और इस इब्रानियों की पत्री या पुस्तक उसका 12वां अध्याय. और 12वां अध्याय 5 से 8. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो. हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धड़के तो तू साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है. तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो. परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है. वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना कर जिसकी भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे. Psalm number 94 verse 12. और भजन संहिता 94. Here is David's thanksgiving prayer. और यहाँ पर दाऊद की धन्यवाद की एक प्रार्थना है. Lord, happy is the man you discipline and teach from your law. हे यह कि धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और वह अपनी व्यवस्था सिखाता है. That is why punishment is required. और इसी कारणवश दंड जरूरी है. We are living at a time. और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं. When discipline is considered to be punishment, harsh, so it should be avoided. जहाँ पर अनुशासन को बहुत कठिन समझा जाता है और इसलिए इसको नहीं करा जाना चाहिए. So nowadays we cannot beat our child. और इसलिए इन दिनों में हम अपने बच्चों को मार नहीं सकते. We cannot correct him. और हम उसे सही नहीं कर सकते. And so there are social workers coming around and checking whether any beating marks on the skin of the child, and then there is a case, and you can be arrested and put in prison. और सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, देखते हैं, इस बात का जांचते हैं कि क्या बच्चे की ऊपर कोई मार की ताड़ना का कोई चिन्ह तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर वो केस करते हैं और आप जो है जेल में होंगे. So what is the benefit? तो इसका लाभ क्या होगा? Is the standard of human life has improved? क्या मनुष्य के जीवन का स्तर बढ़ गया? Are people becoming better? क्या लोग अच्छे हो रहे हैं? No. नहीं. We are more
troublesome and problematic children growing up to be young people. और हमारे पास और कठिन और ज्यादा ऐसे जवान बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं और कठिन जवानों के रूप में. They are selfish. वो स्वार्थी हैं. Abusive. वो शोषण करते हैं. And disobedient to parents. पर माता पिता के प्रति अनाज्ञाकारी हैं. And they are not afraid. और वो डरते नहीं. They can call the police. और वो पुलिस को बुला सकते हैं. And that is how the world is filled with selfish and arrogant, proud generation. उसी प्रकार से ये संसार ऐसे स्वार्थी और तिरस्कार करने वाली बलवा करने वाली पीढ़ी से भर गया है. So that is why the psalmist says. और इसीलिए भजन लिखने वाला ये कहता है. Happy is the man you discipline. कि धन्य है या वे जिस पुरुष को तू ताना देता है. Happy is the man whom you teach. और धन्य है वो जिसे तू अपनी व्यवस्था से सिखाता है. Because his law and his standard is the only laws that makes human being really human. क्योंकि उसकी वचन उसकी व्यवस्था ही है जो मानव को मानव ठहरती या बनाती है. So what is the right approach to the Lord's table? और इसलिए प्रभु भोज की तरफ हमारा सही दर्शन क्या होना चाहिए? Let's read 1 Corinthians chapter 11 verse 31 to 34. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 31वें से लेकर 33वें 34वें वचन तक. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे. इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो. यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो. शेष बातों में को मैं आकर ठीक करूंगा. ओके, there are four things to consider from this passage. वचन के इस भाग से हमें चार बातों को देखना है. Number one, पहली बात, approach the Lord's table by judging ourselves. परमेश्वर के प्रभु भोज या मेज की ओर आप खुद को जांचते परखते हुए आए. That is why Apostle Paul says, examine yourself. और वहीं पर पौलुस प्रेरित कहता है, खुद को जांचो और परखो. It's a self-examination. ये स्वयं का जांचना और परखना है. When you do that, जब आप ऐसा करते हैं, don't compare yourself with someone who is living a worse life than you. तब आप अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें जो आपसे बेकार जीवन या आपसे ज्यादा पाप में है. You will make a wrong conclusion. तब आप एक गलत परिणाम या निष्कर्ष को निकालेंगे. Compared to that person, और उस व्यक्ति की तुलना में, I am better and I am good. मैं अच्छा हूँ. And you end up in not confessing or repenting. और आपका अंत होता है अंगीकार ना करने में. Examining yourself. अपने आप की जांच करते हुए. And if you want make comparison. और अगर आपको तुलना करना है. You must always remember someone who is living a much much better life than you are living. तब आपको एक ऐसे को याद करना है जो आपसे और बेहतर जीवन को जीता है. We are to make sure that we are not living in sin. हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम पाप में नहीं जी रहे. We are not certainly not to partake of the Lord's supper if we are living in known sin. और हमें सच में प्रभु भोज में सहभागिता नहीं करना है अगर हम जानते हैं कि हम पाप में जी रहे हैं. That is the best. That is the first approach to the Lord's table. और प्रभु भोज की तरफ ये हमारा पहला ऐसा जाना चाहिए. If I know that there is sin in me. और अगर मैं जानता हूँ मेरे जीवन में पाप है. Unless I get rid of that sin. और जब तक मैं उस पाप के प्रति मन ना फेराऊँ. I rather not take communion. तब तक भला होगा कि मैं उस प्रभु भोज में सहभागिता ना. The second thing to consider. तो दूसरी बात हमें देखनी है. Accept the discipline. परमेश्वर की ओर से अनुशासन को ग्रहण करिए. And the discipline of the Lord is called here chastisement of the Lord. और यहाँ पर परमेश्वर के अनुशासन को ताड़ना कहा गया है. So how do you accept?
और कैसे आप इस ताड़ना को ग्रहण करेंगे? You accept it by confessing and repenting of that sin. आप इस ताड़ना को ग्रहण करेंगे अपने पापों को मानने और उनका अंगीकार करने के लिए. And turn away from any known sin. और उस हर एक पाप से आप मन फिरा लेंगे जिसे आप जानते हैं. Always remember what is repentance. हमेशा याद रखिए मन फिराना क्या है. Not only giving up and repenting of their sin. ना केवल उस पाप को से मन फिराना और उससे अलग हो जाना. But true repentance also means you will never return to that sin. लेकिन सच्चा मन फिराने का मतलब ये भी है कि उस पाप की ओर आप कभी फिर दोबारा मुड़ के नहीं जाएंगे. So don't forget that. कृपया करके ये भाग ना भूले. It is very important. ये बड़ा महत्वपूर्ण है. God chastens us out of love. परमेश्वर हमें दंड देता है, ताड़ना देता है प्रेम में. Why does God discipline you? क्यों परमेश्वर आपको अनुशासित करता है? God disciplines you to keep you from being condemned with the world. और परमेश्वर आपको ताड़ना देता है ताकि आप संसार के संग दोषी ना ठहराए जाएं. Remember the destiny of the world. और याद रखिए पर इस संसार का जो अंत क्या है. The world will be judged and condemned. और ये संसार का the eternal fire. इस संसार का न्याय होगा और इसे अनंत की आग में डाला जाएगा. That is the problem. और यही समस्या है. So the person who continuously lives in known sin. और इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर जाने में पाप में रहता है. Is running the risk of being judged with the world. तब उस वो खतरे में है कि वो भी उसका न्याय भी संसार के संग किया जाए. So whatever the destiny of the world, that will be your destiny. और इसलिए जो अंत इस संसार का होगा वही आपका भी होगा. And you don't want that. और आप ऐसा नहीं चाहते. You want God's presence. लेकिन आप तो परमेश्वर का उपस्थिति चाहते हैं. So, repent. और इसलिए मन फिराए. And let us not live a life that will ultimately bring us to the place where we are condemned and we are judged and be cast into hell. और ऐसा जीवन ना जिए जो में हम दंड पाए, दोषी ठहराए जाए और हमारा न्याय किया जाए. So the third thing is, तीसरी बात जो है, serve one another. एक दूसरे की सेवा करें. Stop acting selfishly. और स्वार्थी बनना बंद कर दें. And stop self-indulgence. और स्वार्थ स्वयं को किसी गलत बातों में लगाना भूल जाए. Share and demonstrate love. और प्रेम को बांटे और दिखाएं. How? कैसे? By being considerate. ताकि आप दूसरों की सुधि लें उनकी चिंता करने के द्वारा. And considerate to their sin. और उनके पापों को to their needs. और उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के प्रति. And fourthly, और चौथी बात, do not bring judgment upon yourself. Set right your life. अपने ऊपर न्याय को ना बुलाएं लेकिन अपने जीवन को सही रखें. As Jesus always told people, जैसे कि यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को बताया, you go and sin no more. कि तुम जा और अब पाप ना करना. Change. बदल जाइए. And so Apostle Paul told the Corinthians. और इसलिए पौलुस पुरित ने कुरिन्थ की कलीसिया से कहा, instead of bringing your food here and showing off. इसकी बजाय कि तुम अपने खाने को कलीसिया में लाओ और दिखावा करो. Ignoring the needy people. और जो गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, उनका तिरस्कार करो. Eat at home. अपने घरों में खा लो. And then come together. और फिर एक साथ आओ. For the Lord's Supper. प्रभु भोज के लिए. Let there be only Lord's Supper. और सिर्फ प्रभु भोज वहाँ मनाया जाए. So in connection with this. और इस बात से जुड़े हुए. Let us see what. Hebrews again chapter 12 verse 11 says. और इसी में हम इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 11वें वचन को देखेंगे. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है,
तो भी जो उसे सह सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। No discipline seems enjoyable at the time, but painful. Later on, however, it yields the fruit of peace and righteousness to those who have been trained by it. And also Job chapter 5 verse 17. और अय्यूब की किताब उसका पांचवा अध्याय और सत्रवा वचन। Elijah was a man with a nature like ours, yet he prayed earnestly that it would not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the land. 17. और अय्यूब की पुस्तक पांचवा अध्याय सत्रवा वचन, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। And so my friends, here we conclude और the whole subject of Lord's Supper. और इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर हम प्रभु भोज के विषय को समाप्त करते हैं। What is the Lord's Supper? प्रभु भोज क्या है? What is the significance and importance of Lord's Supper? और उसका महत्व और वो क्यों जरूरी है? What does the bread and the juice, the wine represent? और वो प्याला और वो रोटी क्या दर्शाता है? And what do we proclaim by partaking of the Lord's Supper? और इस प्रभु भोज में सहभागिता करने के द्वारा हम किस बात की घोषणा करते हैं? We as God's people, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, must first of all earnestly desire to honor our God. हमें बड़ा लौ लगाकर परमेश्वर का आदर करना है। Seeing our carelessness, अपनी असावधानियों को देखते हुए, and then suffering the chastisement, और परमेश्वर की ताड़नाओं को सहना है। What will the world understand? ये संसार क्या समझेगा? We are all good eaters and drunkers. हम बहुत अच्छे खाने वाले और पीने वाले हैं। But the Lord's Supper is not meant for that. लेकिन प्रभु भोज इसलिए नहीं है। So let us reverently approach the Lord's Supper. और इसलिए बड़े भय और आदर के संग हम उस मेज के निकट आएं। And let us keep the sanctity of the Lord's Supper. और प्रभु मेज की शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखें। And by our actions, और हमारे कार्यों के द्वारा, let us not project a wrong picture of Christ and His body and His blood. हम प्रभु यीशु मसीह की गलत दृश्य को, उसकी देह के और उसकी कलीसिया का एक गलत उदाहरण ना दें। So I hope these studies have been a blessing to you. और मुझे पूरी आशा है कि ये अध्ययन आपके लिए आशीष रहे हैं। You are enlightened. और आप प्रकाशित हुए हैं। And now from now on. और अब से लेकर। Let us be very, very careful when we approach the table of the Lord. हम बड़ी सावधानी के संग प्रभु मेज में सहभागिता करने पाएं। Our reverence is gone down in its standard. और वो पवित्रता, वो भय अपने माप से नीचे गिर गया है। We are now considering it as a monthly ceremony. हम इसे एक माह में होने वाले एक अनुष्ठान के रूप में ले रहे हैं। So we all are participating. और इसलिए हम सब आते हैं और भाग लेते हैं। Without realizing. बिना इस बात को समझे। So many others they have sin and ugliness in their lives and unmindful of these things. We come to the Lord's Supper time, just sit there, take the bread and drink the cup, and you go as if a saint. और इसलिए हम आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। Don't do that. ऐसा ना करिए। Let us observe the Lord's Supper. हम प्रभु मेज को सहभागिता करें। With extreme sense of holiness. And sanctification. बड़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ। Prepare ourselves. खुद को तैयार करके। So it is better that before we come to the communion Sunday to the church. और इसलिए अच्छा है कि इससे पहले हम प्रभु भोज वाले रविवार के दिन कलीसिया आएं। Spend the whole week. पूरे सप्ताह को। Which leads to Sunday. जो कि रविवार के लिए आगे हमें ले जाएगा।
But when we come on Sunday, और जब हम रविवार को आते हैं, we have a clear conscience. तब हमारे पास एक स्पष्ट विवेक होने We have forgiven others. हमें दूसरों को क्षमा किया है. And because of our attitude, others forgive us. और हमारे स्वभाव के कारण दूसरों ने भी हमें क्षमा. And all the known sin is taken away from us. और वो सारे जानने वाले पाप हमारे जीवनों से चले गए. Let this be our experience. यही हमारा अनुभव हो. Don't bring punishment of God and chastisement upon yourself. परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर ना लाएं. It is not God's desire to purposely punish anybody. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उद्देश्य के साथ किसी को भी दंड. But it is our disobedience, our dishonoring God that causes discipline. लेकिन ये तो हमारा अनादर है, अनाज्ञाकारिता है जो परमेश्वर को मजबूर करता है हमें दंड देने के लिए. The Lord's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो. Lord, we thank you for the Holy Spirit. परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. May we treat and respect the time together in your house, especially around the table of the Lord. और हम होने दे तेरे भवन में जो समय हम बिताते हैं खास रीति से उस प्रभु भोज में हम उसका आदर करें. All honor and glory to you. सारा आदर और महिमा आप ही को. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. 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 God bless you, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों परमेश्वर आप सबको आशीष. And then from next study onward, और अगले बुधवार से, we will enter into chapter 12 and 12, 13 and 14. These three chapters are extremely important. And it is going to be a very interesting study. वचन अपने अध्ययन के अगले भाग में हम 12, 13 और 14 अध्यायों पर अपने अध्ययन को रखेंगे जो कि बड़े रोमांचक है. Question concerning spiritual gifts. जहां पर आत्मिक वरदानों को लेकर सवाल है. And their operation. और कैसे वो काम करते हैं. God bless you as you prepare. So read these three chapters, chapter 12, 13 and 14. और इसलिए आप इन तीनों अध्यायों को पढ़िए जैसे आप आने वाले सप्ताह में तैयारी करते हैं. Yeah. You have plenty of days. और आपके पास बहुत समय है. God's blessing be upon you. परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर. Amen.